हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। टुडे वी विल स्टडी बीहाइव्स सेकंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक एंड दिस चैप्टर इज रिटन बाय डेबोरा कोवली। सो स्टूडेंट, दीज आर द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच गिव्स अस ब्यूटिफुल साउंड विच गिव्स अस ब्यूटिफुल म्यूजिक एंड वी एंजॉय द म्यूजिक इज इट। फॉर दैट वी हैव टू लिसन द साउंड। इंजॉय करने के लिए हमको लिसन करना पड़ता है, फिर हम फील करते हैं, देन वी बिकम हैप्पी। सो इन दिस चैप्टर एवेलिन ग्लेनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। सो स्टूडेंट, इज इट पॉसिबल टू फील समथिंग विदाउट हियर, कि कुछ बिना सुने उसको फील हम कर सकते हैं? यस, डेफिनेटली इट कैन बी हैपन्ड। बिफोर यू रीड, गॉड मे हैव टेकन hearing but he has given her back something extraordinary. She was totally deaf. She cannot hear anything. She was unable to hear anything. It means she was deaf. Deaf means जो बहरा होता है उसको हम deaf कहते हैं. She was totally deaf. But in return God has given something extraordinary. कि वो सुन तो नहीं सकती थी, but येस डेफिनेटली उसमें कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था विच मेक्स हर डिफरेंट देन अदर पीपल। वॉट वी हीयर सी फील्स, वॉट एवर द साउंड वी हीयर, जो साउंड हम सुन सकते हैं उसको वो फील करती थी। फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, वॉट एवर वी हीयर, हम जो आवाज़ को सुन सकते हैं बट उसको डीपली फील नहीं कर सकते। शी वॉज नॉट एबल टू हीयर but she feels better than us. That is why she expressed music so beautifully and that is why she was able to express the music so beautifully. Read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a successful story. So this is a story of Evelyn Glennie. She was a musician. She was not able to hear anything. She was totally deaf girl. वो बहरी थी फिर भी म्यूजिक को ब्यूटीफुली एक्सप्रेस कर सकती थी। सो इट वॉज अ चैलेंज फॉर हर एंड सी एक्सेप्टेड इट एंड येस सी नेवर गिव अप, उसने कभी गिव अप नहीं किया एंड सी मेड हर कैरियर सो सक्सेसफुल, उसने अपनी लाइफ को बहुत ही सक्सेसफुल किया, करियर को सक्सेसफुल किया। सी स्टूडेंट, दिस इज पिक्चर ऑफ एवेलिन ग्लेनी। सी इज एवेलिन ग्लेनी। सो लेट्स स्टडी अबाउट दिस गर्ल। रश आर क्राउड्स जोस्टल फॉर पोजिशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। सो हियर दिस लेसन स्टार्ट। रश आर क्राउड्स मीन्स देर वॉज अ क्राउड एंड जोस्टल, जोस्टल मीन्स पुश रफली। जब भी हम बस में चढ़ते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चढ़ते हैं, तब हर कोई अपना प्लेस पाने के लिए एक दूसरे को जोस्टल करते हैं, दे पुश ईच अदर। सो हियर देर वॉज रश आर क्राउड्स जोस्टल फॉर पोजिशन, एवरीबडी नीड्स द पोजिशन, हर कोई को सीट चाहिए इसलिए एक दूसरे को वो पुश कर रहे थे। ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, इट वॉज अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, जो मेट्रो आजकल हम कभी जाते हैं दिल्ली में या मुंबई में, तो अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन होती है। सो हियर देर वॉज अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स वॉज नर्वस येट एक्साइटेड एज सी फेल्ट द वाइब्रेशन फॉर द अप्रोचिंग ट्रेन। एंड हियर द गर्ल वॉज लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, दिस टाइम सी इज just 17 years but she looks younger than 17 years, was nervous, she was little bit nervous, thodi nervous thi, yet excited as she felt the vibration of the approaching train and she became excited when she felt, jab wo mehsoos karti hai approaching the train, jab train aati hai, train ke aane se wo feel karti hai and she become little bit excited. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London
and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. She was from Scotland and she got the admission in Royal Academy of Music in London. वो स्कॉटलैंड से थी और लंदन की म्यूजिक एकेडमी में उसने अभी अभी अपना एडमिशन लिया था. एंड डाउंटिंग मीन्स फ्राइटनिंग. एक तो वो फ्रेश थी, टीनेजर थी और आज ही उसका पहला दिन था. इट वॉज हर फर्स्ट डे. सो सी वॉज लिटिल बिट फ्राइटन. थोड़ा डर लगता था जब भी हम कुछ नए स्कूल में जाते या फिर नया कुछ काम करते, तब थोड़ा लिटिल बिट हम फ्राइटन होते, डर लगता है. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. Profoundly means almost, totally. She was totally deaf. उसको कुछ भी सुनाई देता नहीं था. Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual. Gradual means slowly, slowly. धीरे धीरे प्रक्रिया होती है, उसको हम कहते हैं gradual. सो दिस प्रोसेस वॉज ग्रेड्यूअल. धीरे धीरे उसकी जो सुनने की शक्ति थी वो कम होती गई. हर मदर रिमेंबर्स नोटिशिंग समथिंग वॉज रॉन्ग वेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो. हर मदर रिमेंबर्स दैट वेन एवलिन वॉज 88 years old. दिस टाइम एवलिन इज नियरली 17 years old. बट एट दैट टाइम वेन सी वॉज 8 year old, हर मदर इज सेइंग दैट दे कॉल्ड हर नेम बट सी डिडंट मूव. कि उसको बुलाया गया फिर भी वो रिप्लाई नहीं दिया. इसीलिए उसकी मम्मी को वहाँ पर डाउट होता है कि एवलिन ने रिप्लाई क्यों नहीं किया वेन दे कॉल्ड. आई सडनली रियलाइज्ड सी हैडंट हर्ड, सेज इजाबेल ग्लेनी. इजाबेल ग्लेनी इज मदर ऑफ एवलिन. और उसको ही यहाँ पर डाउट हुआ कि वो कुछ समथिंग हैड रॉन्ग विथ हर, कि कुछ तो उसके साथ गलत हो रहा है. फॉर क्वाइट वाइल एवलिन रिमेनेज टू कंसील. कंसील मीन्स टू हाइड, छुपाना. टू कंसील हर ग्रोविंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स. सी वॉज स्मार्ट एंड शी हिडन हर डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स. उसको थोड़ा शाई फील होता होगा कि कुछ भी, थोड़ा हेजिटेट था कि वो अपनी जो डेफनेस है, अपनी जो ना सुनने की शक्ति है, तो वो सुन नहीं सकती थी. तो उसने अपने फ्रेंड्स और टीचर से छुपाया. बट बाय द टाइम सी वॉज 11, हर मार्क्स हैड डिटेरियरेटेड एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट. व्हेन शी वॉज 11 year old एंड दिस टाइम सी वॉज डिटेरियरेटेड, मतलब उसको वो पहचाना गया कि इसमें कुछ ना कुछ वीकनेसेस है. एंड दैट इज़ वाई हर मिस्ट्रेस हैड कॉल्ड एवलिन्स मदर इन स्कूल, कि उसको स्कूल में बुलाते हैं एंड रिक्वेस्टेड एवलिन्स मदर टू टेक हर टू द स्पेशलिस्ट, कि उसको किसी के स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाए और उसको उसकी बीमारी के बारे में बताए. बिकॉज सी वॉज डिटेरियरेटेड. It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. It was a gradual nerve damage. कि धीरे धीरे उसकी जो nerves थी वो damage होती गई. And finally she lost her hearing power. Finally मतलब कुछ सालों में ही उसने सुनने की शक्ति चली गई. She lost her hearing power. See student, this was not a sudden or instant incident. कि ये कोई instant incident नहीं था. It was a gradual process. धीरे धीरे चलती हुई process थी जिसमें अपनी सुनने की शक्ति थी वो खो दी. They were advised that she should be fitted with hearing aids and she sent to a school for the deaf and hear. She was advised कि उसको advised किया गया. They were advised means Evelyn and Evelyn के parents को advise किया गया कि she is not fitted for the normal school. अब वो normal बच्चों के साथ नहीं पढ़ सकती because she was totally deaf and that is why she is fit for the abnormal student school. कि जो abnormal बच्चों की school होती उसमें उसको भेजा गया.
स्कूल फॉर द डेफ, जो सुनने की शक्ति जिस बच्चों में ना होती उसको अलग से पढ़ाया जाता है, तो वो स्कूल में उसको भेजा गया. विथ हियरिंग एड्स, हमने कभी देखा होगा कि द पर्सन हु इज़ नॉट एबल टू हियर, द पर्सन हु इज़ डेफ, वो कान में सुनने का एक मशीन आता है जिससे वो सुन पाते. दैट मशीन्स एंड दैट गैजेट्स हेल्प द पीपल टू लिसन द साउंड प्रॉपरली. एंड she provided hearing aid and sent to a school for the deaf. Everything suddenly looked black, says Evelyn. Now, as she was 11 year old or 11 years tak wo apne normal bachcho ke sath padhi thi, now she has to study with the other deaf children. To uske samne to jaise koi looked black, yani ki uske samne to andhera chha gaya. These are the words of Evelyn's. But Evelyn was not going to give up. Give up मतलब छोड़ देना. She was not ready to give up anything. She was a brave girl. She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. She was interested in music and that is why she decided to live like a normal people. And also pursue means follow. किसको वो follow करना चाहती? She wanted to make her career music. Music as a career. One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. And one day she took interest in xylophone and she decided to play the xylophone. Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. Potential means usme jo kshamta thi usko kehte potential. But one teacher who was percussionist means a person who plays the drum, जो तबला और ड्रम बजाते उसको हम percussionist कहते हैं, जैसे violin बजाते उसको हम violinist कहते हैं. So जो तबला और जो ड्रम बजाते उसको कहते हैं percussionist. तो जो ये सर थे उसका नाम था Ron Forbes. He took interest and he found out the potential. Potential means अंदर रही जो शक्ति होती है उसको, एनर्जी होती है, जो टैलेंट होता है. सो स्पॉटेड मींस नोटिस्ड. पर्सुशनिस्ट रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल. ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स एंड ही स्टार्टेड टू गिव द साउंड टू एवलिन. एंड दैट इज व्हाई ही ट्यूनिंग मींस बजाना. टू लार्ज ड्रम्स, दो लार्ज ड्रम को बजाने लगे डिफरेंट नोट्स में. सी स्टूडेंट नोट्स मीन्स नोटबुक्स नहीं, नोट्स मतलब जो म्यूजिक में भी एक नोट आते ऊपर होना फिर नीचे जाता है. हम जब कुछ भी स्पीकर में जब बोलते हैं तो आपके फ़ोन में भी कभी स्पीकर ऊपर जाता है नीचे आता है, दैट मीन्स नोट्स. डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से. ही मीन्स Ron Forbes. Ron Forbes told Evelyn not to listen with her ears, कि कान से मत सुनो. Try to sense it some other way, says Evelyn. Suddenly I realized I could feel the higher drums from the waist up and the lower one from the waist down. Suddenly Evelyn realized जो higher notes था, हायर ड्रम का जो नोट्स था उसने वेस्ट मतलब जो हमारा कमर होती है उसको कहते हैं वेस्ट. तो सी रियलाइज दैट हायर ड्रम फ्रॉम वेस्ट अप, जो ऊपर की बॉडी होती है वेस्ट के अप, उसने उसको फील किया. एंड लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और जो लोअर साउंड था ड्रम का उसने कमर के नीचे की तरफ का जो भाग था वहाँ से उसने फील किया. फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज एंड सून Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. And suddenly she realized कि उसके different parts of body जो होते हैं, हाथ होते हैं and fingers and feet also. So she feels the music from her different part of the body. I had learned to open my mind and body to sound and vibration. The rest was sheer determination and hard work. As she feels the music, अब वो feels करना उसने, she understand the feelings of the music. Now what is remain, अब क्या बाकी था उसके लिए? Determination and hard work.
डिटर्मिनेशन मीन्स उसको कोई अपने जो मार्ग से हिला ना सके. फॉर्म, शी इज फॉर्म इन हर वे, अपने मार्ग में वो जो फॉर्म होती है. सो द रेस्ट ऑफ इज द शियर शियर डिटर्मिनेशन मीन्स स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क. सी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स एंड नेवर सी नेवर लुक बैक. अपने जीवन में कभी उसने वाप पीछे मुड़कर देखा नहीं. शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विथ यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम सी वॉज 16 सी वेंट टू यूके विथ यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड सी परफॉर्म्ड देयर. सी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ. अपने जीवन में उसने डिसाइड कर लिया था कि म्यूजिक को ही अपना जीवन और अपना करियर बनाएगी. शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल एकेडमी फॉर म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाइएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी. एंड वेन सी गेव द ऑडिशन एंड इन ऑडिशन शी स्कोर द हाइएस्ट मार्क्स एंड इट वॉज रियली अ हिस्ट्री बिकॉज उससे पहले कभी किसी को इतने मार्क्स नहीं आए थे. एंड दैट इज़ वाई हाइएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी. शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस एंड स्लोली स्लोली सी स्टार्टेड टू गिव द सोलो परफॉर्मेंस. सोलो मीन्स अकेले परफॉर्मेंस देना उसने शुरू किया. एट द एंड ऑफ हर थ्री इयर्स कोर्स सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स. रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में वो 3 साल तक वहाँ पर पढ़ी. हर कोर्स वॉज फॉर द 3 years एंड सी अचीव्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स. एंड फॉर ऑल दिस एवलिन विल नॉट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट. सी डज नॉट एक्सेप्ट एनी हेरोइक अचीवमेंट. कोई हीरोइन वाला काम नहीं था. इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वे यू आर गोइंग यू विल गेट देयर. एंड सी इज देयर सेइंग दैट कि अगर आपको पता है आपको कहाँ जाना है, वे यू वॉन्ट टू गो एंड वे यू आर गोइंग यू विल गेट देयर. अगर आपको पता ही आप कहाँ जा रहे हो तो आप वहाँ पर जाकर ही रहोगे. एंड सी गोट राइट टू द टॉप द वर्ल्ड्स मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी परसेसिनिस्ट विथ अ मास्टरी ऑफ सम थाउजेंड्स इंस्ट्रूमेंट एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल. एंड सी हैड एन इंटरनेशनल हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल. सी वॉज सो बिजी. अब पूरे विश्व में उसके इंटरनेशनल जो उसके शो होते थे वो होने लगे. एंड दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ हर शियर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क. हार्ड वर्क के बिना कुछ भी अचीव नहीं होता. इट इज़ इंटरव्यूइंग टू वॉच एवलिन्स फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग. इन अवर 2 hour डिस्कशन सी नेवर मिस्ड अ वर्ड. मैन विथ बिजी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल सी लाफ्ड. It is not just watching the lips, it's the whole face, especially the eyes. And she is saying that here, the writer had taken the interview. It was 2 hours discussion. और उसमें एवलिन कहती है कि जो मैन होता है बुशी बियर्ड्स जिसकी दाढ़ी होती है मूछ होती है वो इंसान उसको ज़्यादा ट्रबल करता है क्योंकि उसकी लिप्स की मूवमेंट आँख और स्पेशली उसकी आँख और फेस इतना क्लियर नहीं दिखता इसीलिए वो है वो इतना ज़्यादा फील नहीं कर पाती कि वो क्या बोल रहे. सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विथ अ स्कॉटिश लिल्ट. स्कॉटिश लिल्ट मीन्स अ वे ऑफ स्पीकिंग. माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11. एज आई सेड यू बिफोर दैट इट वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस. उसकी जो सुनने की शक्ति थी 11 साल तक वो चली गई थी इसीलिए शी वॉज एबल टू स्पीक very fluently and clearly. But that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. But she was able to speak French and Japanese. But she didn't tell कि उसको कैसे वहाँ पर उसको French और Japanese पर मास्टरी अपनी उसकी आई. As for music, she explained, it pours in through every part of my body. It tingles in the skin, my cheekbones and even in my hair. And she is saying that when the music run, जब वो म्यूज़िक बजता है या फिर वो बजाती है उसके बॉडी में पोर होता है. पोर मीन्स भरता है. कहाँ से? तो स्किन, चिक बोन्स, इवन हेयर्स के उसके म्यूज़िक जो है उसकी बॉडी में एंटर होता है. नॉट थ्रू द ईयर बट थ्रू द अदर पार्ट ऑफ द
body. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. और जब वो xylophone बजाती है तो music उसकी fingertips से stick से लेकर fingertips के उसकी body में enter होता है. It pours through her different part of the body. By learning against the drums, she can feel the resonance flowing into her body. On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibration passes through her bare feet and up her legs. And when she plays the drums or whatever, she removes her shoes. अपना shoes भी उतार देती थी ताकि vibration से music को वो feel कर सके. Not surprisingly, Evelyn delights her auditions. Delights means happiness, pleasure. In 1991, she was presented with Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award. And in 1991, she got this award. कौन सा award उसको मिला था? Philharmonic Society's prestigious Soloist. Soloist means अकेले परफॉर्मेंस करने का अवॉर्ड उसको मिला था. सेज मास्टर परसिसिनिस्ट जेम्स ब्लेड. परसिसिनिस्ट पहले भी मैं बता चुकी हूँ, जो ड्रम तबला वगैरह बजाते उसको कहते हैं परसिसिनिस्ट. गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड ही सेज दैट कि भगवान ने उसे उसकी सुनने की शक्ति ले ली, बट रिटर्न में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिफ्ट भी उसको दी थी. जो हम सुन सकते हैं हमसे भी वो अच्छा वो फील करके हमारे से भी डीपली वो फील करती थी. व्हाट वी हियर शी फील्स फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस. दैट इज़ व्हाई शी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली एंड इट वाज द रीज़न. उसकी जो फीलिंग्स थी, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स थी म्यूजिक के प्रति, और उसका वंडरफुल करियर बना, उसको बहुत सारे टॉप अचीव्स अवॉर्ड्स जो मिले. तो this is the result that she feels the music so deeply. Evelyn confesses that she is something of a workaholic. Workaholic means pura din kaam ke bare mein sochte rehna, kaam karna, bilkul hi free na rehna, usko hum kehte hain workaholic. I have just got to work often harder than classical musician and the rewards are enormous. और उसका आज हार्डवर्क करने के बाद उसका रिजल्ट भी बहुत बड़ा आता है. अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स. सी गिव्स हर फ्री कंसर्ट. कंसर्ट मीन्स जो अपना परफॉर्मेंस होता है वो देती थी फ्री में, विदाउट एनी चार्ज, विदाउट एनी फीस. सी गेव हर फ्री कंसर्ट्स इन prisons, जो जेल होती है उसको कहते हैं prisons and hospitals. She also gave high priority to classes for young musicians. वो ज़्यादा प्रायोरिटी अपनी किसको देना चाहते थे? यंग म्यूजिशियन, जो यंग म्यूजिशियन होते हैं उसके लिए वो अपना टाइम जो है वो देना चाहती थी, उसको सिखाना चाहती थी. एंड रिचलिन ऑफ द Beethoven Fund for Deaf Children says she is a shining inspiration for deaf children. They see that there is nowhere that they cannot go. And here she was the inspiration for the other deaf children. दूसरे जो deaf children थे उसके लिए वो inspiration भी बन गई थी, प्रेरणादायी बन गई थी कि अगर वो कर सकती है तो ये भी कर सकती. Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age. कोई इंसान अपने जीवन के दो गुना जो जिंदगी बिताता है उसकी आधी जिंदगी में ही Evelyn ने अपना जो है वो सक्सेस वो पा लिया था. She accomplished, accomplished means completed, पूरा करना. She has brought positions to different of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped, people who look to her and say, if she can do it, I can. और उसको देखकर कई handicapped भी होते थे, unable person जो होते थे वो ये सोचते, if she can do, अगर वो कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं. If she can do it, I can. And note the least,
सी हैज़ गिवन enormous pleasure टू millions, और pleasure means एक happiness होता है, उन्हें कई सारे लोगों को happiness दिया. सो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल लेशन. एवलिन ग्लेनी, सी वॉज म्यूजिशियन, सी इज म्यूजिशियन, एक म्यूजिशियन है. अपनी लाइफ में म्यूजिशियन कैसे बनी? बिकॉज सी नेवर गिव अप, उसने कभी गिव अप किया नहीं. सी नेवर क्विट फ्रॉम एनीथिंग. सी फाउंड हर वे, उसने अपना रास्ता ढूंढा. एंड सी डिड लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क. सी वॉज डिटरमाइंड गर्ल, एक तय कर लेना कि अपनी म्यूजिक को अपनी लाइफ बनाना है. सी मेड अ म्यूजिक हर लाइफ, और एक ही साथ कई सारे इंस्ट्रूमेंट वो बजा लेती थी. यू कैन सी इन पिक्चर, दिस पिक्चर्स आर एवलिन ग्लेनी, एंड सी वॉज एबल टू प्ले मैनी इंस्ट्रूमेंट टूगेदर. एक ही साथ वो कई सारे इंस्ट्रूमेंट वो बजा सकती थी. सी डिड मैनी कॉन्सर्ट. सी वॉज रियली अ सुपर म्यूजिशियंस. एंड इट हैपन बिकॉज ऑफ हर sheer determination and hard work. And also here the exercise given, thinking about the text. Iske question 1, 2 and 3 that you have to do in your homework book. Thank you and have a nice day.